ये हमारा हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये प्लेन पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, इसको ये वेक्टर फॉर्म है, प्लेन का इक्वेशन है। इसको कार्टेशियन चेंज करने के लिए क्या करना, आई को हटा करके एक्स कर देना है, जे को हटा के वाई कर देना है, के को हटा के जेड कर देना है। इसका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 2x - y + z बराबर 2। इस 2 किधर ले आओ, ये हो गया 2x - y + z - 2 बराबर 0। ये प्लेन का इक्वेशन ही है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में था और ये है कार्टीजियन फॉर्म में। क्या है तो प्लेन का इक्वेशन, ये है फुट। अब हमें फुट ही पता करना है। अब फुट पता नहीं तो उसको हम लोग मान लेंगे, अपने मन से मान लेंगे अल्फा, बीटा और गामा। इसको मान लिया कि भैया फुट जो है अल्फा बीटा गामा है। क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज लिखा रहेगा, फोटो बना हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट ऑफ पॉइंट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वहां पर पी पॉइंट है -1, 2, -3 फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन। अब प्लेन को जान के दे दिया, तुमको वेक्टर फॉर्म दे दिया, आर वेक्टर डॉट 2i - j + k बराबर 2 जान के से दे दिया। तो हमने प्लेन को यहाँ तक पूरा तैयार कर लिया, हमने प्लेन जो वेक्टर फॉर्म था उसको हमने कार्टेशियन चेंज कर लिया और सॉल्यूशन तैयार करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में करना क्या है हमें कि ए में से अल्फा में से ये माइनस करना है, ऊपर वाला माइनस करना है। अल्फा माइनस करोगे, ये सब क्या हो रहा है, अल्फा में माइनस करोगे अल्फा प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस वन इक्वल टू, बीटा में माइनस करोगे तो बीटा माइनस टू, और गामा माइनस करोगे तो गामा प्लस थ्री हो जाएगा। और नीचे क्या लिखना है तो यहाँ से यही लिखना है 2 - 1 और 1, इसके नीचे लिखना है 2, इसके नीचे ये वाला है -1, इसके नीचे 2 लिख दिया था हमने, इसके नीचे ये 1, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे अगर फुट लिखा हुआ है तो यहाँ पे सामने लिखना है -1, हमेशा हमेशा लिखना है। हाँ सर, वो लास्ट लेक्चर में आपने जो ऑनलाइन करवाया था वो चैप्टर 11 ही था। देखो 11-12 मिक्स है, तो 11 में क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जो 12th करोगे उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा तुमको, उसमें जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर है, ये सब 12th में ऑटोमेटिक 3D में आता है, यूज होता है। 12th चैप्टर ना 10 11 11 हाँ, तो ये उसमें आता है ऑटोमेटिक। वेक्टर में वेक्टर का यूज ये 3D में होता है, तो मैं 3D सीधा पढ़ा रहा हूँ, इसमें से क्या अगर तुम दोनों चीज़ एक साथ सीख पाओगे, जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो सब कुछ उसमें इसमें आता है, चैप्टर नंबर 3D में आता है सब कुछ। तो इसके साथ साथ वो ये करोगे तो ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद हो जाएगा, समझे? ओके सर। हाँ, ये करोगे तो ऑटोमेटिक छोटी छोटी जो उसमें वो टूल्स होता है उस टूल्स का इसमें यूज करना होता है, यूज करना सिखा तो ऑटोमेटिक टूल्स का यूज टूल्स तुमको काम आ जाएगा, फिर तुम बनाओगे लेकर के बैठोगे तो ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे चैप्टर सॉल्व करोगे 3D ऑटोमेटिक 11 था, मतलब वो वेक्टर आ जाएगा, समझी? इसमें एक साथ दो काम हो जाएगा, ये पढ़ाऊंगा फिर वेक्टर पढ़ाऊंगा सब, इसलिए यही बताता हूँ। इसमें तुमको ऑटोमेटिक डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, एरिया ट्रायंगल यूज होगा, एरिया पैरेललोग्राम यूज होगा, अलग अलग जो जो है चीज यूज होता रहेगा इसमें, तो ऑटोमेटिक होता रहेगा, इसलिए यही पढ़ा देता हूँ। और ये यहाँ समझना आसान है, ये समझ गए तो वो ऑटोमेटिक समझता हूँ, सॉल्यूशन तो है ही ऑलरेडी, तो उसको समझ पाओगे, जो नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अल्फा और ये -1 है तो क्या होगा +1, अच्छा सॉरी कहाँ थे हम लोग, हाँ ये मल्टीप्लाई करना है, ये से मल्टीप्लाई करना, क्या होगा 2 - -1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ -1 है, ये मल्टीप्लाई करना है इससे, -1 - 2, फिर हमें ये मल्टीप्लाई करना है, क्या छुपा हुआ यहाँ पर 1, तो 1 - -3, और ये नंबर जो है ये नंबर इधर देखो, रियल में यहाँ प्लेन यहाँ है, रियल में यह प्लेन ये है, -2 को भूलना नहीं है,
और फुट में रूट में इमेज नहीं होता, रूट फुट और इमेज में रूट नहीं होता, इसे फुट और इमेज में रूट नहीं होता, इसे याद रखना एफ आई आर याद रहेगा तुमको कि फुट और इमेज में रूट नहीं होता, तो रूट नहीं लिखना है यहाँ पर। नीचे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर फोर, ये वन का स्क्वायर वन, ये वन का स्क्वायर वन। अब ये सॉल्व कर लो इसको, माइनस वन, ये ब्रैकेट वाला आपने कैसे कहाँ से वैल्यू डाली वापस बताओ ना। यहाँ को नहीं, हम देखो यहाँ से करो टू, इधर क्या है माइनस वन, ये माइनस वन, इधर क्या है टू, ये क्या है वन, ये क्या है माइनस थ्री, देखा यहाँ देखो यहाँ पर यस, यहाँ से थोड़ा सा माइनस टू गंदा हो गया, क्या लिखा हुआ था टू आई लिखा हुआ था टू आई, अगर टू दिख रहा होगा यहाँ माइनस वन दिख रहा होगा, यहाँ प्लस वन दिख रहा होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई एरो लगा दिया मैंने, उसी से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस टू, चार दो छः, नीचे हो गया यहाँ पर छः, तो सब नेगेटिव में, दो दो चार दो छः तीन नौ, नेगेटिव हो गया माइनस नाइन, और बाहर एक माइनस नाइन पहले से, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा नाइन बाई सिक्स, यानी कि टू थ्री थ्री जार थ्री टू जार। तो फाइनली हमें क्या मिला कि अल्फा प्लस वन अपन में टू जो है थ्री बाई टू के बराबर होगा, बीटा माइनस टू अपन में माइनस वन जो है वो भी थ्री बाई टू के बराबर होगा, और गामा प्लस थ्री अपन में वन ये भी थ्री बाई टू के बराबर होगा। तो यहाँ से देखेंगे हम सॉल्व करने चलते हैं, टू से टू कट गया, अल्फा बराबर थ्री माइनस वन, तो अल्फा बराबर आ गया टू, यहाँ पे माइनस टू से शिफ्ट करेंगे तो बीटा माइनस टू बराबर माइनस थ्री अपन में टू, ये माइनस टू से शिफ्ट करेंगे प्लस टू हो जाएगा, तो बीटा बराबर टू माइनस थ्री बाई टू, टू जाए फोर, फोर में से थ्री गया तो वन, तो वन बाई टू, तो बीटा आ गया वन बाई टू, इधर ये वन से जाएगा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो गामा प्लस थ्री बराबर थ्री बाई टू, थ्री उधर शिफ्ट करेंगे तो देयर फोर गामा बराबर थ्री बाई टू माइनस थ्री, गामा बराबर थ्री माइनस सिक्स बाई टू, यानी कि माइनस थ्री बाई टू, तो गामा कितना आ गया माइनस थ्री बाई टू। सो फाइनली हम देखेंगे, हमने क्या देखा कि फुट मिल चुका है, फुट क्या क्या मिला, फुट था परपेंडिकुलर क्या मिला, अल्फा के जगह पर टू, बीटा की जगह पर वन बाई टू, और गामा की जगह पर माइनस थ्री बाई टू। तो इस तरह से फाइनली हमने फुट को फाइंड आउट कर लिया है, फुट आ गया यहाँ से, फुट को हमने फाइनली सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आ गया आंसर। किसी को डाउट है, डाउट है कुछ तो पूछो, तब तक कोई डाउट है तो बोलो। सर ये आपने फर्स्ट स्टेप में वो 4+1+1 लिखा ना, वो कहाँ से लिखा सर वो बताओ ना। m नो स्क्वायर टिक 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 m नो स्क्वायर टिक 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 m नो स्क्वायर स्क्वायर पता चला। ओके सर। अभी फुट और इमेज में दोनों में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होता है, 99.99% फुट निकालने में और इमेज निकालने में सेम कॉन्सेप्ट का यूज होता है। अभी तुमको इसमें थोड़ा बहुत पता नहीं भी चला होगा, अभी मैं इमेज निकालना भी सिखाऊंगा तो उसमें भी तुम देखोगे दोनों में 99.99 सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए क्वेश्चन और बताता हूँ, इमेज निकालना तो दोनों फुट और इमेज दोनों भाई भाई है। हाँ आप ये रफ कर दो ना, तो एक मिनट रुकना ना, मैं पानी पी के आई, तो आप चलाने मत लगना, सिर्फ दो एक मिनट रुकना मैं आ गई। हमें क्वेश्चन तो लिखता हूँ दूसरे पेज, तो कोई बात नहीं जाओ। हाँ रव देश में करने का निश्चित से खिसका आया है, वैसे नया आ गया, तब तक मैं क्वेश्चन नया लिखता हूँ, तो जब तक आएगी तब तक मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट। अभी अब हम सीखने वाले हैं इमेज निकालना, आई एम ए जी ई इमेज फाइंडिंग, एफ आई एन यहाँ पर इमेज फाइंड करने क्वेश्चन तो लिख लेता हूँ, जब तो आ जाएगी तब तक कि फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट, जब एक पॉइंट दिया उसका इमेज निकालना, टू माइनस थ्री वन फ्रॉम द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर 2x नहीं लेते, दूसरा कुछ ले लेते हैं, सिर्फ एक्स वाई ले लेते हैं, x माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो,
इसमें हम लोग सीखेंगे प्लेन को, मिरर का यहाँ से पॉइंट दिया हुआ है, इसका इमेज निकालना सीखेंगे। जब तक वो आती है तब तक यहाँ पर कर दो स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लो, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व होगा, जैसे हमने सॉल्व किया था उसको सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी सॉल्व होगा, दोनों में प्रोसेस बिल्कुल 110% सेम होता है। देख लो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास, अब की बार 2, -3 और 1, और ये हमारा जो हो जाएगा यहाँ से प्लेन हो गया, यहाँ दिया हुआ x -3y + 2z - 1 = 0, ये हमारे पास प्लेन है और इसका इमेज निकालना है। इमेज कहाँ होगा, ठीक नीचे होगा, उतना ही नीचे होगा जहाँ पर पी पॉइंट है उसके ठीक उतना ही नीचे नीचे होगा आई इमेज, जो हमें पता नहीं है, अल्फा बीटा और गामा मान लेंगे, और ये फुट ही अभी भी फुट ही है, बट फुट इसमें नहीं पता करना है, फुट पता करना होता तो पता कर लेते, वैसे ही पता कर लेते, अब तो मालूम है कि फुट इन द मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट एंड इमेज का ही मिड पॉइंट होगा, तो वैसे अगर फुट पूछता तो पता कर सकते थे, बट फुट पूछ नहीं रहा, यहाँ पे इमेज पूछ रहा है, और इमेज और फुट सेम टू सेम तरीके से सॉल्व होता है। इसे यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस टू इक्वल्स टू क्या लिखें, β+3, जो उल्टा लिखना होता है β+3, इसे क्या लिखें, गामा माइनस वन। नीचे क्या लिखें, यहाँ 1 छुपा हुआ, यहाँ -3 छुपा हुआ, यहाँ पर 2 छुपा हुआ, यहाँ 1 छुपा हुआ, यहाँ -3 छुपा हुआ, यहाँ पर 2 छुपा हुआ, इमेज में -2 लिखना है और फुट में -1 लिखा। गौर से देखो यहाँ पर तुमने क्या लिखा था, -1 लिखा था, याद करो, तो फुट में क्या लिखना है, -1 लिखना है, फुट में -1 लिखना है और इमेज में -2 लिखना, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी फर्क। सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा सर, सारे कंपलसरी यही रखने का। हाँ, सब में ऐसा ही होगा, इमेज निकालना हो जैसे निकालेंगे, फुट निकाला वैसे निकाला, सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। अब ये मल्टीप्लाई करना है 1 को 2 से, तो 1 × 2, अभी -3 को -3 से ही करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 को 1 से, तो 2 को 1 से, और ये -1 तो रहेगा, -1 रह गया, और नीचे गया इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायर तो 9 होगा, और इसका स्क्वायर तो 4 होगा, और हमें सॉल्व कर देना अब इसको, फिर इधर -2 सॉल्व कर, तो 2 -1 9 प्लस 9 प्लस 2 -1 9 10 14। अब यहाँ से 9 2 11 2 13, 13 में से 1 गया तो 12, -2 × 12 = 14, 1 × 7 = 12/7। तो खाली अल्फा ब्रैकेट में आपने -1 कहाँ से रखा, कुछ लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में इधर? -2 = -12/7 = 14, 14 - 12/7 कितना बच गया, 2/7, तो अल्फा 2/7। अब यहाँ से अगर बात करेंगे बीटा का, तो β+3/-3 = कितना है, -12/7, इधर उधर जाएगा β+3 - 12 = 36/7 - 1 = 36 - 21/7 7 = 1 + 30/7 = 7/7
15/7 और गामा 37/7, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और तुमने देखा होगा इस तरह से इमेज निकालना और फुट निकालना दोनों ही बहुत आसान है और दोनों में सेम तरीका है। दूसरी जगह बहुत सारे लंबे चौड़े मेथड दिए हैं, बट यहाँ मेरे सर ने ऐसा सिखाया था उससे बहुत ही आसानी से बिना मेहनत की आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। यस हाँ, तो अब दो काम हो गया हमने आज सीख लिया, इमेज निकालना, फोटो द परपेंडिकुलर निकालना। अब एक ऐसा ही सेम टू सेम होता है लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, वो भी हम सीखेंगे। आगे सेम प्रोसेस होता है, कॉन्सेप्ट का नाम है लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। लिखा रहेगा फाइंड द लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना, तो सेम टू सेम इस तरह से होता है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड द लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट मान लो कि 1-1 फ्रॉम द पॉइंट 1-2 or 3, कोई भी पॉइंट ले लो, फ्रॉम द लाइन टू द लाइन लिख दो, या जो भी लाइन टू जो तो अंग्रेजी है, टू द प्लेन प्लेन आर वेक्टर डॉट 4i cap - j cap + 3k cap - 1 = 0 या +1 = 0। ये हमारा प्लेन है, तो ये प्लेन हो गया, तो प्लेन क्या, इसको इसको हम लोग, ये प्लेन जो है आई जे के रहता है वेक्टर फॉर्म होता है, तो पता चलता है तुमको वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म चेंज करने के लिए क्या करना, आई घटा के एक्स कर देना, जे घटा के के कर देना, जे घटा करके वाई कर देना और जेड के घटा के जेड कर देना, तो 4x - y + 3z + 1 = 0 ये हो गया प्लेन का इक्वेशन हो गया है। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया प्लेन का इक्वेशन। और बाकी सॉल्यूशन तो सेम टू सेम जैसे पहले किया था वैसा ही करना है। ये पॉइंट पी पॉइंट है 1-2 और 3, ये तुम्हारा प्लेन है और ये दूरी पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस। तो पहले से वो -1 रखेंगे ना ब्रैकेट के आगे, अल्फा था, ये बीटा था, जो गामा था, और यहाँ पर ये प्लेन है तुम्हारा, ये प्लेन है तुम्हारा ax + by + cz + d = 0, मतलब प्लेन है, ये डी डिस्टेंस निकालना है। डी बराबर होता है फॉर्मूला के हिसाब से, चूंकि डिस्टेंस वर्ड यूज किया हुआ है तो यहाँ पे मॉड लगाना है, पहली बात है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगा दिया। ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी अपॉन में √a² + b² + c² यही होता है लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे, हमें तुमने पहले भी यूज किया था, उस तरह से यूज कर देना है। यहाँ क्या हो रहा है, 4x - y + 3z + 1 = 0, तो d बराबर सीधा सीधा तुम लगा सकते हो 4 × 1 - 1 × -2 / 3 × 3 ये रहा जो तुमने पहले किया था +1 जो तुम बता रहे थे, और रूट अंडर में a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सिर्फ 1, और c का स्क्वायर 3×3 = 9। तो फाइनली क्या आ गया, 4 + 2 + 9 + 1 / रूट आता है इसके अंदर 16 × 25 = 26, ये आ गया 4 × 2 = 6, 6 × 9 = 15, 15 × 16 = 16 / √26, ये जो पॉजिटिव आंसर लिखना है हमेशा, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर आ गया, यही हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
और हमने इस तरह से लेंथ पर बिना डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। मुझे लगता है ये तो पुराने जैसे मैच हो रहा है, उसी जैसा मैच हो रहा है। तो इस तरह से फॉर्मूला भी लिख के बता दिया, ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दिखा दिया और यहाँ से लेंथ पर पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है। जो कोई डाउट है पूछना चाहता है पूछो। आ गया समझ में, आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से तुमको छोटे छोटे चीज पूछेगा, लेंथ पर पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ सकता है, इमेज पूछ सकता है। सर अभी हमारे एग्जाम थी ना, तो हम ये लाइक सम्स थे ना थोड़े वर्कशीट में, तो करके गए थे, पर क्वेश्चन आते हैं ना तो फॉर्मूला कौन सी लगानी वही भूल गए। ये तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे, प्रैक्टिस करना पड़ता बार बार बार। हाँ मतलब देख के गए थे ना, क्योंकि आपने अभी तक समझाया नहीं था इसीलिए। अच्छा ये तो चलो नहीं बताया था, तो जो नहीं बताया था उसका तो क्या है, वो तो तुम भगवान तो नहीं आ जाएगा, तो फोकस करा करो, जो बताया उस पर फोकस करो। अभी तो चलो ऑलमोस्ट कोर्स ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी बचेगा और कुछ करना, प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज बढ़ाना नहीं है तो खत्म ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब इसी महीने पूरा फुल कोर्स खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा डन ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिंपल ही है तो आसान काम है। उसके बाद तुमको सिंपल पर खरीद लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, जम करके प्रैक्टिस करना है। तुम करोगे कोई डाउट पूछना डाउट पूछोगे, फिर मैं टेस्ट लूंगा, इस तरह से करोगे मस्त हो जाएगा काम। और रिवीजन भी बोलोगे तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर वापस रिवीजन भी करा दूंगा, वीडियो बल ऑलरेडी तुम्हारे पास चैप्टर 8 का वीडियो है, चैप्टर 9 का वीडियो है, ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 प्योर 11 है, और उसमें 11 आओगे तो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा तुमको। तो यानी चार चैप्टर का वीडियो तुमको ऐसे अपलोडेड है पहले से, उस चैप्टर नंबर 5 का वीडियो यूट्यूब अपलोडेड है चैप्टर, और ये तो पूछेगा नहीं सिलेबस में नहीं है, ये तो छोड़ दो, बस इसमें अब प्रोबेबिलिटी है, ये चार चैप्टर प्रोबेबिलिटी और 7 चैप्टर प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी तुमको 5 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, एक तो ओमिटी किया हुआ है, तो एक आधा आधा घंटा में एक एक्सरसाइज निकलता है, आधे आधे घंटे में एक एक एक्सरसाइज निकलेगा, तो बहुत आसान है काम। और सारे सारे क्वेश्चन करवा दूंगा A to Z क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और फिर रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन सबसे बड़ा हथियार, रिविजन करोगे तुमको सब कुछ फटाफट क्लिक करेगा, सबसे रिवीजन प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ हमें फटाफट क्लिक करता है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अभी मैं अगला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। देखो उस दिन मैंने तुमको सिखाया था, अगर तुमको याद हो तो, दो लाइन के बीच एंगल निकालना सिखाया था, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, पिछले वीडियो में एंगल बिटवीन टू लाइन्स ये सिखाया था मैंने उस दिन, निकालना ये एंगल निकालना सिखाया था। अभी यहाँ प्लेन है, मान लो ये लाइन 1 था और ये लाइन 2 है, अभी प्लेन 1 है ये प्लेन 2 है, एंगल निकालना यहाँ पर। लाइन में क्या एंगल लिखा था, कॉस थीटा बराबर बताया था, लाइन क्या होता था ऐसा होता था, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा एल, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं याद है, आर वेक्टर बराबर होता था बी प्लस म्यू एम, तो इसमें बताया था क्या था, एल डॉट एम अपन में ए पॉजिटिव रखना, एल का मैग्नीट्यूड और एम का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से थीटा बराबर जो भी आंसर आया, कॉस इनवर्स जो भी इसके आंसर अंदर में आंसर आया यहाँ लगा देने का। तो उसे सिखाते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, अभी क्या है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसमें भी क्या होता है आर डॉट एन वन, लाइन में एल होता है देखो, एम होता है इसमें, एन होता है, आर डॉट एन टू बराबर मान लो कोई डी हो सकता है, बराबर डी हो सकता है ये, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो जाएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच एंगल निकालना, जैसे कि दैट इज कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा लिखना है, सेम चीज रहे दो लाइन रहे तो भी कॉस थीटा लिखना होता है, दो प्लेन रहे तो भी कॉस थीटा लिखना पड़ता है। ये होगा एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपन एन वन का मैग्नीट्यूड, सेम यही को कॉपी कर देना है और एन टू का मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन लेके बताता हूँ पता चलेगा तुमको ज़्यादा, कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप बराबर 5 एंड आर वेक्टर डॉट i कैप माइनस j कैप माइनस
के कैप बराबर टू। सिंपल है सॉल्यूशन में, तुमको मिल गया होगा एन वन वैक्टर, नॉर्मल वैक्टर। एन वन, एन का मतलब क्या था? नॉर्मल वैक्टर। क्या यहाँ पर तुम्हारे पास थ्री आई कैप, टू जे कैप और फोर के कैप है। और एन टू वैक्टर क्या है? दूसरा नॉर्मल वैक्टर। हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, ये होता है, ये नॉर्मल उसका, हर प्लेन का ये नॉर्मल वैक्टर, ये होगा नॉर्मल वैक्टर। ये दिया हुआ है कितना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव रखना इसलिए यहाँ पॉजिटिव कर दिया, एन वन का मैग्नीट्यूड और एन टू का मैग्नीट्यूड। यानी कि एन वन कितना है, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था मैंने, रूट लगाकर इसका स्क्वायर करना, थ्री थ्री जै नाइन, फोर फोर जै टू, टू जै फोर, फोर फोर जै सिक्सटीन, रूट लगा स्क्वायर करना, वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का स्क्वायर फिर से वन होगा, वन का स्क्वायर फिर से वन होगा। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, डॉट एक स्केलर प्रोडक्ट है होता है, इसलिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीधा सीधा कितना, थ्री वन जार थ्री, टू माइनस टू और फोर माइनस फोर, अपन में यहाँ क्या, सोलह चार बीस, दस उनतीस, ट्वेंटी नाइन हो गया, एक दो तीन, ट्वेंटी थ्री, ये थ्री हो गया, चार दो छः, छः में से तीन गया तीन, तो पॉजिटिव लेना है तीन, मैंने बोला था इसलिए मॉड लगाता जा रहा हूँ, पॉजिटिव लेना है थ्री, नेगेटिव आ रहा है बट यहाँ पे पॉजिटिव आंसर लिखना है। नाइन थ्री हजार कितना आ जाएगा, नौ तीन सत्ताईस, तीन दो छः और दो आठ, तो ये आ गया थीटा आ जाएगा, थीटा बराबर आ गया कॉस इनवर्स थ्री अपॉन में रूट अंडर में 87, पॉजिटिव लेना है। तो इस तरह से हमने निकाल दिया एंगल बिटवीन, यही एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल देना है, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस का उसने सिखाया था वीडियो में, उसी तरह सेम टू सेम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बहुत आसान है, कुछ मेहनत नहीं करना है, दोनों में एंगल बिटवीन दोनों लाइन हो या दोनों प्लेन हो, लगाना कॉस थीटा ही है, लगाना डॉट प्रोडक्ट ही है, नीचे मैग्नीट्यूड ही करना है, पहले वाले में एल लगाना है, इसमें एल लेना है और एम लेना है, इसमें एन वन लेना है और एन टू लेना है, इसका और इसका कोई यूज नहीं होगा। जो यहाँ पे नंबर है पाँच छः सात, यहाँ दो नंबर है, नंबर का कोई लेना देना नहीं है, यूजलेस है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बोलो। इस तरह से एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दोनों में कोई भी पूछ सकता है, यहाँ पर क्या है, ये जो था जो दोनों प्लेन था, ये दोनों प्लेन जो है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, आईजे के दिखा हुआ है, आईजे के लिखा हुआ था, वेक्टर फॉर्म में होता है, इसमें समझ में आने वाली बात है ही। इसको सपोज करो चेंज भी करके पूछ सकता है तुमसे कि ये ऐसा पूछ देगा, ऐसे करके इसे कार्टेशियन फॉर्म लिखेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, प्लेन्स को ऐसे लिख देगा जान करके, टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड माइनस वन बराबर जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड प्लस टू बराबर जीरो, ऐसे लिख देगा। तो अभी भी तुमको पता चल गया कि नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, दिख गया होगा तुमको मस्त, यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नंबर का कोई लेना देना नहीं है। एन टू वैक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, और आगे का प्रोसेस सेम है, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर, एन वन का मैग्नीट्यूड और एन टू का मैग्नीट्यूड, और ये मॉड कर देना पॉजिटिव रखने के चक्कर में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड चार एक और नौ, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो एक एक और टू का स्क्वायर फोर, ये पॉजिटिव रखने के लिए इसे कर देंगे, फिर यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, टू वन जार टू, वन वन जार वन प्लस सिक्स, अब वन में यहाँ से हो जाएगा नौ एक दस, चार चौदह फोर्टीन, चार दो छः, एक साथ रूट लिख तो चलेगा, छः दो आठ एक नौ, तो नाइन अपॉन में छः सौ चौरासी, एट्टी फोर, रूट अंदर में पॉजिटिव लेना है। सो फाइनली अगर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस
इनवर्स 9 अपॉन में रूट अंडर में 84 इज द एंगल, क्या आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो इस तरह से तुमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, यहाँ पे है नॉर्मल वेक्टर लिख लेने का, नॉर्मल वेक्टर लिख लेने का और यहाँ से देयरफॉर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकाल लेंगे। और यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों ही वेक्टर, दोनों ही क्वेश्चन क्या था, ये दोनों ही प्लेन वेक्टर फॉर्म में था, तब मुझे लगता है वेक्टर फॉर्म भी समझ में आता होगा और कार्टेशियन फॉर्म भी समझ में आता होगा। एक नया चीज क्या पूछ सकता है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, अभी तक देखो ध्यान से देखोगे तो दोनों या तो दोनों लाइन था, दोनों लाइन है, लाइन लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये प्लेन है और ये प्लेन है, दोनों लाइन है या दोनों प्लेन है, तब क्वेश्चन पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछ सकता है, अगर नया पूछेगा एक तरीके से कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन हो एक तरफ और एक प्लेन हो, ऐसा जैसे कि यहाँ ये लाइन है और ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये लाइन है, उसके बीच का एंगल पूछ रहा है। तब इसमें क्या था, लाइन तुमको पता होगा आर वेक्टर बराबर क्या था, ए प्लस लैम्बडा एल होता था लाइन में, प्लेन में क्या होता था आर वेक्टर डॉट एन बराबर डी वेक्टर। तो लाइन एंगल निकालने के लिए जो हमें सिर्फ जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे जो अलग रहेगा, अगर लाइन प्लेन रहेगा तो कॉस थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि साइन थीटा लिखेंगे, फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपन में एल का मैग्नीट्यूड और अपन में एन का मैग्नीट्यूड, और ये भी पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ मॉड लगा देते हैं और यहाँ से हम लोग फाइनली आंसर पता कर लेंगे, एंगल बिटवीन लाइन और एंगल बिटवीन प्लेन भी निकल सकता है। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, चार मिनट बाकी है तो एक क्वेश्चन करता हूँ, तो बता देता हूँ कि फाइंड एंगल बिटवीन, अब लाइन ले लेता हूँ एक्स प्लस वन अपन माइनस थ्री, वाई प्लस टू अपन में माइनस वन, जेड प्लस थ्री अपन में टू, ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं लाइन जो कि अभी है। दूसरा है प्लेन, प्लेन हो गया टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस फाइव बराबर जीरो, ये हो गया प्लेन। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो नीचे वाला चाहिए एल, एल वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप, ऊपर से मतलब नहीं होगा क्योंकि लाइन के लिए हमें ये चाहिए l चाहिए, l मिल गया यहाँ से, और प्लेन से क्या मिलेगा n मिलेगा, तो n क्या मिलेगा 2i कैप प्लस j कैप और यहाँ क्या माइनस, तो माइनस k यहाँ से, यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर क्या आता है l वेक्टर डॉट n वेक्टर, l का मैग्नीट्यूड और एल का मैग्नीट्यूड, और ये मॉड कर देंगे पॉजिटिव रखने चक्कर में, तो एल कितना है हमारे पास टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप डॉट टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और मैग्नीट्यूड कर देंगे अगर हम यहाँ से तो टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पे क्या होगा ये टू का स्क्वायर, ये टू लिखा हुआ है, ये दिखने में फोर लग रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ ये टू आई था, टू आई कैप था, तो जगह क्या है टू का फोर प्लस वन प्लस वन, तो यहाँ से करेंगे अगर हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टू टू जार फोर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, और हो गया चार चार, ये नौ हो गया, ये भी नौ हो, ये नौ हो गया और वो छः हो गया, चार में से तीन गया तो एक बचा, एक अपन में नौ फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर पॉजिटिव रखना है, थीटा बराबर हो जाएगा वन अपन अंडर में फिफ्टी फोर, ये हमारा आ गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ गया, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, रेडी बोलो समझ में आया, यस यस सर। तो यहाँ से तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाया तुमको, अगर हम बात करेंगे आज हमने क्या क्या सिखाया, सीखा है हमने तो सीखा है देखो निकालना, हमने इमेज निकालना सीखा हमने आज,
इमेज निकालना सीखा, हमें क्या निकालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना सीखा, फिर हमने सीखा लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा, फिर हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस सीखा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स सीखा, फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन सीखा, ठीक है। यहाँ पे आप हटा देंगे क्योंकि एक मिनट बाद सब जो है डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर हटा करके वापस फिर से रीज्वाइन करोगे, कुछ नया सीखेंगे, प्रोजेक्शन निकालना सीखेंगे, यहाँ पे ही फिर से रीज्वाइन करो, ठीक है। यस।